This question is going to make your logic clear regarding your basic proportionality theorem. So without wasting our time, let us start with 15th B here. तो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि अगर आपकी एक DE और BC दोनों पैरेलल हों तो आप क्या कर सकते हैं, इसको और इसको प्रोपोर्शन में लिखिए और इसको प्रोपोर्शन में लिखिए। चलिए आइए सीखते हैं हम लोग। तो AE अपॉन EC, क्वेश्चन में बोला है कि D डिवाइड्स AB इन द रेशियो। ये जो AB है इसको किस रेशियो में बांट रखा है, 3 और 5 के रेशियो में बांट रखा है, 3 और 5 के रेशियो में बांट रखा है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये तो मैंने आपको बताया था ये इसके पैरेलल है, क्योंकि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है, राइट। सो वी कैन से हेयर दैट फर्स्ट पार्ट, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, सो वी कैन राइट हेयर AE अपॉन EC, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा और ये इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा, राइट। अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं आती है तो इसके पीछे वाला वीडियो मेरा देखिए, राइट। सो नाउ वी कैन से दैट AE अपॉन EC, AD का क्या दिया है हमको प्रोपोर्शन 3 एंड DB का कितना दिया हुआ है 5। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर हियर, वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव टू इट्स सेकंड पार्ट हियर, सेकंड पार्ट दे आर सेइंग AD एंड AB दे आर आस्किंग अस। सो AD अपॉन AB, माय डियर चिल्ड्रन, AD अपॉन AB, AB इज व्हाट, AB is the sum of AD plus DB. Is it so or not? So we can say here is equals to AD. What is the value of AD? 3. AD is again 3 and plus 5. So answer will be 3 upon 8. So have you understood second question? So move to its third question here. Third question, that AE upon AC, same question there, my children, same question. See, what I am going to say you, that since these two lines are parallel, so we can say AD upon AB, AD upon DB is equals to AE upon EC, क्योंकि ये दोनों line parallel है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि ये वाली साइड नीचे वाली साइड के प्रोपोर्शन में, ये ए ई इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगी, तो यानी कि ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ओके, आर क्वेश्चन इज AE अपॉन AC, वी हैव टू कैलकुलेट AE अपॉन AC। सो AE, व्हाट वी कैन राइट, AC, AE प्लस EC इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE, दैट इज 3, एंड AE 3 प्लस 5, so we got answer here as same as that of second. Now children, let us move to its fourth part here. Fourth part, they are saying us to calculate DE. We have to calculate DE, the value of DE that they have given us 2.4, find BC. तो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर करा देता हूं, आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात का कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये और ये, ये और ये, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में 4 साइड का ही रोल होता है, 4 साइड का, 1, 2, 3, 4, ओनली 4 साइड, ओनली 4 साइड्स, क्योंकि ये तो पैरेलल होती हैं। अभी उन्होंने DE की वैल्यू गिवन है और BC पूछ लिया है, यानी कि इस और इस साइड का तो कोई रोल ही नहीं है, राइट। रोल कहाँ होता है, सिमिलैरिटी में। तो यानी कि अगर आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, बड़े वाले छोटू और बड़े, इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर देंगे, सिमिलर, देन इजली यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। सो इन द फर्स्ट, इन द फोर्थ पार्ट वी हैव टू प्रूव इट सिमिलर। सो ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्ड। तो एंगल DE इज इक्वल्स टू एंगल BE इज वॉट, corresponding angle. Okay, my children, angle A is equals to angle A is common, right? Angle E is equals to angle C is again correspond angle. So triangle ADE is similar to triangle ABC by AAA postulate, right?
सो आई थिंक दिस थिंग यू हैव अंडरस्टूड. तो बेटा अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा मेरे प्यारे बच्चों. तो सबसे पहले आप इनकी साइड्स को लिख सकते हैं कि नहीं. यस, ए डी दिस इज आर छोटू ट्राइंगल, बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी. नाउ आफ्टर इट व्हाट वी कैन राइट, ए डी इज 3 एंड ए बी द होल ए बी इज 8 इज इक्वल्स टू डी ई इज 2.4 इज गिवन टू अस बी सी. So now BC is equals to 2.4 into 8 upon 3. Okay, so it and that will be your 0.8 is equals to 6.4 centimeter answer. So we got the value of BC here, children. Now the next part is that BC is given to us as 4.8. We have to calculate, find DE. So that is also very simple here. Let us move to its next part. See children, now the fifth part, what says the fifth part? Again, they are talking us about BC. तो यानी BC को हम तभी involve कर सकते हैं जब हम basic proportionality ना लगाएं, BPT नहीं लगाएं, हम क्या लगाएं? Similarity के concepts. तो similarity के concepts के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ आपसे, so we can say here find DE. DE find करना है, right? और यहाँ पे अब इस केस में 4.8 दे दिया है, डी फाइंड करना, दैट इज वेरी सिंपल. नाउ सो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी. ए डी अपॉन ए बी इज 8 इज इक्वल्स टू डी ई वी हैव टू कैलकुलेट एंड अपॉन बी सी इज 4.8 हेयर. सो डी ई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4.8 अपॉन 8. So 0.6 and that is 1.8 centimeter. So we got the value of DE also. I think you should have a very good idea about the BPT and the similarity. So this question is the combination of both two things. Ke PQ ye iske parallel hai. तो पैरेलल का मतलब आप समझ चुके हैं, बीपीटी लगेगी. इसमें क्या लगेगी हमारी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. अब बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं? सीक्यू, सीक्यू की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? 4.8. बहुत बढ़िया. अब इसमें क्यूबी कितना गिवन है हम लोग? क्यूबी इज गिवन एस 3.6. ए बी इज गिवन एस 6.3. फाइंड सी पी अपॉन पी ए. तो बच्चों बहुत आसान है क्योंकि ये पैरेलल है हमारी. तो वी कैन राइट हियर सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, राइट? सो अकॉर्डिंग टू सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू बी एंड दैट इज व्हाट बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही तो कहती है. कितनी देर से मैं सिखा रहा हूं एक ही बात कि दोनों साइड्स इस तरीके से प्रोपोर्शन में आ जाएंगी. अब इसमें सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू सी क्यू. सी क्यू कितना दिया है हमारा? 4.8. ये कितना दिया है? 3.6. सो 12 4 एंड 12 3. सो आंसर विल बी 4/3. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सो मूव टू इट्स सेकेंड पार्ट हेयर. वॉट वी आर बींग आस्ट इन द सेकेंड पार्ट, माई डियर चिल्ड्रेन. सेकेंड पार्ट सेज that we have to calculate the value of PQ. बड़ा आसान है भाई, कितना आसान है. एक ही चीज़ बार बार रिपीट करवा रहा हूँ मैं आपको. अगर ये कैलकुलेट करना है ये, तो इसके लिए आपको सिमिलर प्रूफ करना होगा. अगर सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन भी शायद नहीं हो सकता है. तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट फास्ट में लिखता हूँ, राइट? सो दिस एंड दैट इज योर ए एंड एंगल पी इज वॉट योर करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? हम क्या कर रहे हैं, इसकी और इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. तो एंगल सी एंड एंगल सी बोथ आर कॉमन हेयर, दीज आर कॉमन. नाउ एंगल क्यू एंड एंगल बी इज करस्पॉन्ड एंगल. तो सिमिलर प्रूफ होगा कि नहीं हमारे? एंगल पी सी क्यू इज सिमिलर टू एंगल ए सी बी.
सिमिलर प्रूफ होने के बाद हमने एक ही तो बात जानी है कि दोनों साइड्स मतलब साइड्स किस में आ जाती हैं, प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। तो प्रोपोर्शन में लिखने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा कि सी क्यू, ये लिया मैंने छोटू ट्राइंगल, अपॉन ये लिया बड्डा वाला ट्राइंगल सी बी इज इक्वल्स टू, फिर मैंने क्या लिया ये इसका बेस पी क्यू अपॉन ए बी। ये बात तो मैं बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूँ आपको कि कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में जाती है। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम लोग तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सी क्यू कितना हमारे पास 4.8, बट सी बी, सी बी क्या है ये सी बी, सी बी है इन दोनों का सम, सी क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल्स टू दैट पी क्यू अपॉन ए बी, एंड ए बी इज 6.3। ओके सो वी कैन राइट हेयर 4.8 अपॉन, अब इसको आपने ऐड किया, सो 4.8 प्लस 3.6 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन 6.3, सो इट विल बी 4.8 एंड दिस इज 8, 6, 14, 14, 1, 4, 7, 8.4 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन 6.3, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 6.3 इंटू 4.8 अपॉन 8.4। ना 12, 4 एंड 12, 7 एंड दैट विल बी 7, 0.9 एंड इट विल बी योर पी क्यू इज इक्वल्स टू 3.6। दिस विल बी योर आंसर, दिख रहा है ना आपको पी क्यू का आंसर कितना आया हमारा 3.6। हैव यू गॉट और हैव यू अंडरस्टूड? सो मूव टू इट्स थर्ड पार्ट हियर माय डियर चिल्ड्रेन। इस एंगल में हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि क्यू सी अपॉन छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल बी सी इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन पूरा ए सी। तो यहां पे क्यू सी अपॉन बी सी, बी सी को लिखेंगे बी क्यू प्लस क्यू सी, लिखेंगे कि नहीं, बी सी को मैंने तोड़ लिया तो बी क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल्स टू पी सी। पी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पी सी है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए सी माइनस ए पी, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ा एनालाइज करिए, एंड दिस इज ए सी। हमको क्या है कि ए सी के टर्म में आंसर निकालना है, वैल्यू ऑफ ए सी निकालना है, एक्स के टर्म में निकालना है, ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है। अब क्यू सी वैल्यू रखना शुरू करिए, 4.8 अपॉन इन दोनों को प्लस करा दीजिए, 4.8 और 3.6 को प्लस करा दीजिए, 8.4 हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी दैट वी हैव टू कैलकुलेट माइनस ए पी, ए पी इज वॉट, ए पी इज एक्स अपॉन ए सी, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/7 इज इक्वल्स टू, इसको भी तोड़ के क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए सी माइनस एक्स अपॉन ए सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दिस इज 4/7 इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी कितना हो गया ये 1 माइनस एक्स अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको यहां पर लेकर आ जाते हैं, राइट। सो कैन वी राइट 4/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन ए सी, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, सो इट विल बी माइनस 3/7 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन ए सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए सी की, 7/3 एक्स, दैट इज अ वैल्यू ऑफ ए सी।